मचल दुनिया नहीं है बबल। ओ यार जानू ले आओ यार, चाय ले आओ भाई। तुम्हें पता तो है मेरी आंख बैठ टी से खुलती है यार। अरे यार सुबह सुबह पापा जी की कॉल यार, कोई तमीज होती है यार, बंदे को पता होना चाहिए सुबह सुबह कौन फोन उठाएगा यार इनका। अरे फिर वही नसीहतें करेंगे, खर्चा कम करो, नौकरी क्यों नहीं करते, नहीं लेनी पापा जी मुझे आपकी कॉल, नहीं उठानी यार। ओ जानू यार, ओ ले आओ यार, आ जाओ यार। किसका फोन था? कुछ भी नहीं जानू, रॉन्ग नंबर। एक लड़की है जो बार बार कॉल करके ना मुझे तंग करती है। अच्छा क्या कहती? जानू कहना क्या है, यही कि मिलने आओ वरना मैं अपनी नब्ज काट लूंगी। बहुत ही फारिग लड़की है जानू, मुझे लगता है मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन मैंने साफ साफ बता दिया है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो नब्ज क्या अपना गला तक काट सकती है मेरे लिए। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। ओए ओए जानू बड़ी ठंडी चाय बनाई है अभी तुमने। अरे जोजी बेगम के फोन पर सिद्दीकी क्यों फोन कर रहा है? धत तेरे की। हेलो, अरे मैं सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब आपको बात करने के लिए हमारी ही बेगम मिली है बस। भाई जोजी तो फोन ही नहीं उठा रही जी। वो क्या है कि उन्होंने तय किया है कि वो गैर महरम यानी गैर मर्दों से बात नहीं करेंगे। अच्छा भाई बात ना करें पर दरवाजा तो खोल दे, हम दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ मैं। अरे जनाब हम कोई जादूगर हैं, खड़े खड़े हम आपके घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं? अरे यार तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ दरवाजे पे, दरवाजा खोलो घर का। आप हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। सिद्दीकी साहब माफी चाहते हैं आपको बड़ी जहमत होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग घर पे नहीं है ना, हम लोग तो मरी आए हुए हैं, हम और जोजी बेगम। क्या तुम लोग घर पे नहीं हो? जी वही तो अर्ज कर रहे हैं हम कि हम घर पे नहीं है, हम और जोजी बेगम जरा घूमने फिरने मरी और झीका गली और नथिया गली आए हुए हैं। बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारे सैर सपाटे में आप मुखल हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यह तो बहुत चिपकू है यार। आ जाओ ना सिद्दीकी, आ जाओ। हाय थक गई हूँ, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। हाँ हाँ मुझे भी बड़ी खुशी है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आ जाए आ जाए आ जाए। अरे भाई बहुत अच्छा किया तुमने दरवाजा खोल दिया जोजी बेगम, वरना हम तो बाहर खड़े खड़े ना पागल हो जाते बस। हाँ मैं तो कार ही नहीं थी, मैं गली में आजकल वॉक कर रही हूँ, वो डेटिंग कर रही हूँ ना, 4 से पूरे 2 परोठों पे आ गई हूँ बस। उस तो कीम तो कह रहा था कि तुम लोग मरी गए हो घूमने फिरने। मरी मरे किन्ने क्या? मेरा मतलब है मुस्तकीम ने झूठ बोला होगा। अभी पूछती हूँ, मरी शरी तो हम गए ही नहीं। मुस्तकीम, मुस्तकीम इधर आओ। जोजी बेगम, जोजी बेगम आपका नाश्ता हाजिर है, ये रहा आपका नाश्ता। सिद्दीकी साहब आप यहाँ कैसे? मुस्तकीम तुमने सिद्दीकी साहब को कहा है कि हम मरी गए हुए? जी 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 नहीं नहीं नहीं, हमने तो सिद्दीकी साहब से कहा कि हम मरी जाने का सोच रहे हैं। हाय हाय और मिट्टी पाओ। तुसी दसो किन जाना होया फिर? बस मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन कराची रहूंगा अपनी बेटी घर, अकेले रह रह के ना बस बोर हो गया मैं। हाय हाय ये तुम्हारी ती का कार नहीं है, मतलब ये तुम्हारा ही कार है। जब तक दिल करे ना इधर रहो कार, जिस चीज के खाने का दिल करे ना बस मुस्तकीम को बताना, ये अपने हाथों से बना के देगा, देखना बिल्कुल होटल वाली फील आएगी। और मुस्तकीम कान खोल के सुन लो, दिल खोल के खिदमत करनी है इनकी। अरे बेगम वाजे रहे कि हम आपके निकाह में हैं, इनके निकाह में नहीं, और हम आपके शौहरे नामदार हैं, कोई वेटर थोड़े हैं इस घर में। मुस्तकीम सिद्दीकी बड़ा खास मेहमान है, बचपन का साथी है, इसकी तवाज़ो में कोई निक्की जाई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जोजी तुम कितनी अच्छी हो, खिदमत हम आपकी करेंगे वो नहीं करेंगी, तारीफें भी हमारी ही कीजिए, उसी से अफाका होगा और फायदा होगा। हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो। अच्छा भाई जरा मैं जाके ऊपर बेटी से मिल लूँ। है यार महमूद साहब, क्या है यार नबील, महमूद साहब महमूद साहब महमूद साहब, अरे कोई काम खुद भी कर लिया करो यार। क्या हो गया आपको, इस उम्र में हिट करवा रहे, ये कम काम है। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चाची नहीं है भाई, पापा जी हैं, खूबसूरत के पापा जी। पापा जी पापा जी पापा जी, पता मुझे सुबह सुबह क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपकी कॉल आ रही। और लग नहीं रहा था, सच में फोन किया था मैंने पर तुमने उठाया नहीं, बल्कि एक था तुम मेरा फोन भी काट दिया तुमने। पापा जी पता है मुझे लग रहा था जैसे ख्वाब में आपकी कॉल आ रही है, तो बेसिकली ख्वाब में मैं बहुत बिजी होता हूँ इसलिए फोन नहीं उठाता। अच्छा ये छोड़े, बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे। गर्मा गर्म हलवा पूरी हो जाए। हाँ हो जाए हो जाए। अच्छा तो पैसे निकालें फिर, ताकि महमूद साहब जाएं और गरम गरम हलवा पूरी लाएं। बहुत बेशर्म हो बच्चे तुम। नाश्ते को छोड़ें पापा जी, पहले मेरी गिफ्ट दे दें मुझे। अरे कोई गिफ्ट नहीं है दफा बस। बेटी के घर खाली हाथ आगे मुंह उठा के, शर्म नहीं आई? ये मोमो इतनी दूर से बंदा आया यार, अब वो सामान उठा के तो नहीं लाएगा ना। अरे कैश बेहतर है, कैश। क्यों पापा जी? अरे कोई कैश वैश भी नहीं अभी। पापा जी जहाज में कुछ टॉफियाँ कुछ चॉकलेट कुछ तो मिला होगा भाई, वही दे दें। मैं जहाज में नहीं आया, बस में आया उस दफा। और मुझे बताओ खूबसूरत का कमरा कहाँ है, मुझे मिलना आपसे। ये आप चुरंगी से सजे हाथ पे जाएंगे, दो कदम बढ़ने के बाद फिर आपने उल्टे मोड़। अरे मोमो वो खूबसूरत का कमरा पूछ रहे हैं, ये सामने वाला है, ये सामने। पापा जी ये वाला, इधर वाला, इधर वाला। हाँ। यार नबील, ये पापा जी इस दफा बस में क्यों आए हैं? हो सकता है जहाज का टायर पंचर हो गया और महमूद। हाँ हो सकता है महमूद का टायर पंचर हो गया। देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुमने उस कमरे से शादी की, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा, अब देखो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पापा फिर आप फिर से ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं पापा? अरे बेटा पहले भी तो 2-3 बार कर चुका हूँ ना, एक बार फिर हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया खुद भी। पापा मेरे बारे में तो सोच रहे थे। क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। देखो आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो। आप मामा को बीच में मत लाएं, कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें पापा। तकलीफ तो होती होगी ना बेटा, मुझे इस हाल में देखकर। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना पापा। अरे बेटा सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला, सब चीज इतनी अचानक हो गई ना। पापा आपके साथ ही हर बार अचानक सब कुछ हो जाता है, अब मेरा क्या बनेगा? अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा क्या बनेगा। आपने नबील को बताया? नहीं बेटा, अगर उसे बताता तो पता नहीं वो क्या सोचता। अब बताना तो पड़ेगा ना उन सबको। चले चल के बता, हिम्मत करें। यार महमूद साहब फिर वही महमूद। पापा जी आप ना देखिए, हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें नाश्ते पे ले जाए, वहाँ से चलते हैं शॉपिंग मॉल, है ना? 20-25 हजार पर पर्सन हमें शॉपिंग करा दीजिए। भाई मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नबील मुझे लगता है आज तुम्हारा लकी डे है। अरे पापा जी जरूर एक ना एक फैक्ट्री तुम्हारे नाम लगाने लगे हैं। आप लोग एक दफा पापा की बात सुन तो लें। हाँ भाई बात ये है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ ना। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपका बेटा और उसका सौतेला बाप जिंदा है, मैं अपने इस बाप के लिए इस बड़े मुंह वाले बाप की कुर्बानी दे दूंगा। मेरा मियाँ है, ये कोई भैंसा नहीं है जिसको तू कुर्बान करने पे तुला हुआ है हर किसी के ऊपर। एक ही बात है बाजी। अरे पहले मेरी बात तो सुन ले भाई, बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ पापा जी, कोई मर्डर वगैरह तो नहीं हो गया आपके हाथ से? देखिए अगर कुछ ऐसा काम हुआ ना तो पहले बता दे, ताकि अदालत में नबील आपका गुनाह अपने सर ले लेगा। महमूद साहब अरे यार तुम लोग मेरी बात तो सुन लो यार। बात ये कि मैं अब दिवालिया हो गया, मेरा मेरी सारी दौलत बंगला फैक्ट्री सब मेरे हाथ से निकल गया, चला गया। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था ना तुम्हें मैं। अरे मेरी बेगम ने मुझे नशावर गोलियां खिलाई और मुझसे कागजात साइन करवा लिए, मेरा सब कुछ लुट गया है। पापा जी ये बता दें मुझे बस कि आपके पास बचा क्या है? बस का टिकट लेने के बाद ना तो मेरे पास जो है वो ये, हाँ सिर्फ 500 रुपए बचे। मेरे पास है तकरीबन 2500-3000। महमूद साहब आपके पास कितने हैं? कम से कम ये 2-2 हजार रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ महमूद साहब कि सबसे कम पैसे इस वक्त पापा जी के पास हैं, तो मेरा इनका रिश्ता ऐसा है कि मैं बदतमीजी कर नहीं सकता इनके साथ, तो आप जरा इनको उठाइएगा यहाँ से। इन्हें क्या उठे से देखिए, उठ। क्या मतलब है, क्या मतलब क्या हुआ? उठ। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे पापा है यार, गरीब बाप के गरीब बेटी। नबील, नबील तुम्हारा हक छिन गया। अरे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब ये घर कौन चलाएगा, हमें कौन पालेगा? तो बस कर दो यार, खुदा के वास्ते आप लोग। बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नीचे लॉन में जा रहा हूँ, तुम मुझे चाय पिला दो। चले पापा। क्या हम लोग लुट गए? लुट नहीं, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। नसरीन, दूध जरा कम डालना और चीनी पत्ती पर भी हल्का हाथ रखना है। माँ जी, इस घर का सारा राशन मेरे पापा के पैसों से आता है। ओए आता था कभी, अब रोब ना दिखाना अपने पापे के पैसों का। अब तो वो फुटपाथ पर आ गया है, बड़ी शोएं मारती थी ना, अब तुझे पता चलेगा बच्चू। माँ जी, मेरे पापा बेचारे बहुत परेशान हैं, इस वक्त हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ले, तो हम उनके साथ खड़े होके भीख मांगेंगे क्या? पापा क्यों भीख मांगेंगे? ले, वो भीख नहीं मांगेगा तो खाएगा कहाँ से भीख? अब क्या हम पापा को दो वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते? तेरा पापा 4-6 वक्त का खाना खाता है। अपने पुत्र की मेहनत की कमाई ऐसे नहीं लुटानी मैंने। नबील कौन सी मेहनत की कमाई करता है? वो जो उसने इतनी बड़ी मेहनत से पैसे चुरा के रखे ना, वो सालों से मेरे पापा आप लोगों को घर बिठा कर खिला रहे। जरा सा बुरा वक्त उन पर आ गया तो आप लोग ये कर रहे हैं। देख पुत्र, मैं तेरे को ना एक मशवरा देती हूँ। तेरे पापे को वो कर लेनी चाहिए। वो क्या? वो जिसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, शादी। शादी नहीं, वो जो बंदा छत पे जाके करता है ना पतंगबाजी, ओए जिससे जान चली जाती है, खुदकुशी। हाँ हाँ हाँ, तेरे पापे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ जी। वाह जी वाह, एक तो गरीब, ऊपर से नखरे। चुप करके चाय बना बगैर दूध की, और चीनी ना बना और पत्ती भी नहीं। पानी पी लेती हूँ। सदीकी, ऐ देख, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के लड्डू मंगाए हैं मुस्तकीम से। ठीक है, अच्छा की गल है, लेले वंगर मुंह क्यों लटके है? अच्छा छोड़ो, छेती बताओ खाने में क्या खाना है? मैंने मुस्तकीम से सौदा सुदा मंगाना है। भाई जो दिल करे बना लो। ना 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 ना, बताना पड़ेगा। हर चीज मैंने तुम्हारी पसंद की बनवानी है, मैं बता रही हूँ। हाँ है? अच्छा तुम एक काम करो कि तुम पाई बनवा लो, बिरयानी बनवा लो, और मीठे में जो है ना, उसे तुम्हें देख लेना तो मीठे की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए ना कच्चे कीमे के कबाब, और मेरे लिए ना रसगुल्ले बनवा ले। मैं रस निचोड़ के ना गुल्ला गुल्ला खाऊंगा। मुझे लगता है गुल्ला अकेला खाना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओए पुखियो, तुमसे किसने पूछा? पुखियो, अरे पुखियो हम नहीं है, पुखा ये है। बाबा जी, आपने अपने पुराने रिश्तेदारों को अभी तक नहीं बताया? की होया, मुझे भी तो कुछ बताओ। जोजी, असल में मेरी वो सारी जायदाद, बंगले, फैक्ट्रियां हाथ से चला गया। बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। सच्ची? हाँ, मेरी बीवी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। मैं खाली हाथ हो गया हूँ। हाय रब्बा, मैं मर गई। मैं मुस्तकीम नू रोका, उन्होंने क्या गोश्त से पैसे दे आई। हेलो पापे, खड़े हो। ये पकड़े पापा, 1 किलो भिंडी लेके आनी है और बाकी पैसे ईमानदारी से वापस लेके आने। सब्जी लेने मैं जाऊं? अरे तो और कौन जाएगा मोटे सांड, यहाँ तू क्या मुफ्त में रोटियां पाड़ेगा? चल जा, चले जा, ले आए अच्छी सी लेके आए देख के। हाँ, और भिंडी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अरे महमूद साहब, लड्डू लड्डू। अरे तुमने तो पहले ही ऐसी शक्ल बनाई हुई है। नबील, माँ जी को समझाओ, उन्होंने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। इतनी सी बात पे ये शक्ल बनाई हुई है। अभी जब मैं असल बात बताऊंगा तो तुमने तो रो रो के यहाँ सैलाब ले आना। कौन सी असल बात? यही कि इस घर को चलाने के लिए और इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मेरी दुल्हन सजानी होगी। क्या? भाई तुम्हारे पापा की जो है वो जेब खाली हो चुकी है, और हमारी भी तकरीबन इस महीने के आखिर तक खाली हो जानी है। तो मुझे फौरन किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से निकाह करना होगा ताकि ये घर पहले की तरह चल सके। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नबील। ठीक है, तो तुम अपने पापा के साथ कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। नहीं करूंगी। वो शमशे, ओए बेहया, कैसा बेटी के ससुराल में आके पड़ा है। अरे मेरी बेटी का घर है, मैं इसका खर्चा उठाता हूँ। अब नहीं उठाता, अब तो तुम फकीर हो गया मोटे। भाई बार बार मत याद दिलाओ मुझे। अच्छा एक गिलास जूस तो पिला दो, जरा कमजोरी सी महसूस हो रही है। ना हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। अच्छा भाई माफ कर दो, मत पिला जूस, जान छोड़ दो मेरी। चल फिर जल्दी से झाड़ू पोछा कर शाबाश। झाड़ू पोछा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मुस्तकीम मुस्तकीम। अरे महमूद बोलो ना यार, वरना नीचे से फिर वो मुस्तकीम ऊपर आ जाएगा। हाँ मसूद देखिए ना, ये जो है ना बुड्ढा, ये झाड़ू पोछा करने से इनकार कर रहा है। ओए ओए सदीकी टिड्डल, ओए तुझे जो हुक्म दिया जा रहा है ना वैसा ही कर। क्या बदतमीजी है भाई। हाँ मुझसे सब्जी लाने को कहा, मैं चुपचाप जाके ले आया। अभी झाड़ पोछ ये नहीं होगा मुझसे भाई। हाँ अच्छा तो लगता है कि तुम इस घर में रहना नहीं चाहते। हाँ हाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। तुम लोग समझते हो मैं मोहताज हूँ तुम लोग का? मैं नीचे जोधी के पास आ लूंगा। हाँ जा रहा हूँ मैं। अरे छोड़ो मुझे। अरे तुम उसे रोक क्यों रही थी? नहीं जी मैं तो ये सोचती घर के काम का जब कौन करेगा। मैं तो नहीं करूंगा, मुझे ये पता है। जोजी बेगम ये फरमाइए कि अब करना क्या है? सिद्दीकी साहब क्या हुआ भाई? आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ताजा बेइज्जती करवा कर आए हैं। अरे ये लोग भी हद कर रहे हैं, सारी जिंदगी ने बिठा के खिलाया, अब जब मेरे बुरे दिन आए तो ये तो क्या क्यों है? मुझे कह रहे कि मैं मुफ्त में घर में नहीं रह सकता। घर के काम करो, सौदा लाओ, सफाइयाँ करो। जनाबे मोहतरम सफाई तो निस्फ ईमान है। अच्छा फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया मुझे नहीं रहना ऊपर, मैं नीचे रह लूंगा आराम से जोजी के पोर्शन में। मैंने ये भी कहा कि मेरे खाने पीने रहने सहने की सारी जिम्मेदारी जोजी आराम से उठा लगी है ना। हाँ हाँ वो तो खैर मेरे, वो तो पहले की बात थी, वो और बात थी। मुझे क्या पता था कि एपिसोड में आगे क्या सिचुएशन आनी है। हाँ ते दैट्स वाई अब तो मेरा पलटना बनता है ना, तो मैं पलटने लगी हूँ। मैंड ना करना बिल्कुल। ओए खलो जा। जोजी तुम तो मेरी बचपन की साथी हो भाई। ओए मुस्तकीम केहो जे कटिया शोहर तुम है। तुम्हारी नजरों के सामने एक बंदा तुम्हारी बोटी से बातें कर रहा है, तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही, वेकअप कर रही। अरे बेगम गैरत तो जाग रही है भाई, हमें ये अंदेशा है कहीं हमारे हाथों इनका खून ना हो जाए। चल बे, अबे माफ कीजिएगा उठिए सिद्दीकी साहब। अरे देखिए अरे पगड़ी गली से निकलिए निकलिए। बातें क्या सुने, अब कब तक सुनेंगे बातें हम? आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। चलिए जी बताएं कहाँ साफ करना है? जहाँ पे खड़ा हुआ है वहीं से साफ करना है। और ये अपनी बेटी को भी लगा के भी चमका कर शाबाश। शुरू हो जाओ, चलो झाड़ू कर, पकड़ झाड़ू। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ओए छेती छेती काम करो सारे। यार महमूद साहब आपके पास 5000 का एक नोट है? एक नोट क्या, बहुत से नोट है। शर्म नहीं आती? बाप के साथ मजाक करते हो यार। यार क्या हो गया महमूद साहब, 5000 का नोट कहाँ देगा? ला जी बाप बेटी से सौरे घर के काम करा के आ गई हूँ मैं तो। और माँ जी ज्यादा खुश ना हो, राशन सिर्फ एक हफ्ते का रह गया है, उसके बाद हम लोगों ने भीख मांगनी है। हाँ नबील हमें कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा यार, वरना मेरी पेंशन से तो घर का किराया भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है इस घर को चलाने के लिए हमें अमीर और खूबसूरत लड़की को इस घर में लाना पड़ेगा। चट मंगनी और पट शादी करनी पड़ेगी अगले ही सीन में। मैं मुसाफिर यार नबील देखो हर दफा ना तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, इस मर्तबा मैं कुर्बानी का बकरा बन जाता हूँ। ना 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 आपकी कुर्बानी जायज नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं। हाँ जी अब आप 2 दांत वाले नहीं बल्कि 4-5 दांत वाले हो गए हैं। उधर तू फिक्र ना कर, मैंने एक बहुत बड़े घराने में तेरी तस्वीर भेजी है। अरबपति लड़की है, अरबपति लड़की, पैसों की बारिश हो जानी है हमारे ऊपर। सच मानिए वो जो हम पर होगी वो पैसों की बारिश होगी। हाँ हाँ इफ्तिखार। हाँ हाँ और डन हो गया। ओए हो गई है। ओ माँ जी, इससे पहले वो खुदकुशी कर ले मेरी शादी करा दे यार। ओ चलिया, तेरी तस्वीर देख के पागल हो गई, निकाह के लिए तैयार है भाई। मुबारक। आप पे रश आ रहा है इस वक्त। नबील, वैसे तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शट अप खूबसूरत। हाय मेरी बहू, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। क्या मुंह दिखाई दूं? मैं मुंह दिखाई लूंगी नहीं, बल्कि मुंह दिखाई दूंगी। एक्चुअली मैं इतनी अमीर हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी से कुछ लिया ही नहीं। ये कुछ पैसे हैं, ये आप लोग आपस में बांट लेना। मुझे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दोगी। डार्लिंग, आपको तो मैं मुंह दिखाई में अपने मालदीव का आइलैंड गिफ्ट करूंगी। आइलैंड? हाँ, तुम्हें मैं मुंह दिखाई में कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा मुंह ही पसंद नहीं आया। दफा इधर से। ये वाली बहू मेरी कितनी प्यारी है। आज से ना हमारे घर का खर्चा सब यही चलाएगी। हम मालिक मकान है पुत्र, बस आपके ब्याह की खुशी में ना अब से कार का किराया डबल होगा। ओह यस यस, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। चलिए इसी बहाने हम भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। हम मुस्तकीम हैं, शक्ल से मिस्कीन लगते हैं मगर मुस्तकीम हैं। हेलो मिस्कीन साहब। नबील डार्लिंग, ये कौन है? ये इस घर के रामू काका है। तुम डार्लिंग कोई भी काम इन्हें बिला झिझक कह सकती हो। ओके ओके। Darling, I'm so tired. मुझे मेरा रूम तो दिखाओ। Sure, sure. Ladies and gentlemen, तखलिया। आओ जरूर, आओ, आओ, please. जाओ, please, जाओ, जाओ। आज जरूर, आज वो। Oh my God, नबील, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे बाहर। आह, लड़की, चलो बाहर, निकलो। नबील, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी बीवी थी और अब ये मेरी बीवी है, और तुमने अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, इसकी खिदमत करो, क्योंकि ये इस घर का खर्चा चलाएगी। वरना अपने बाप को इस घर से लेकर निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी नबील, ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है। ओहो जानू, तुम ही निकालो इसको। मुझसे ना इससे ज्यादा बदतमीजी हो गई नहीं, मैं तबीयत नरम मिजाज भाग गया हुआ। तुम ही निकालो इसको। चलो लड़की निकलो यहाँ से बाहर, वरना मैं गार्ड बुला के धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैं नहीं निकलूंगी। निकलो। नहीं निकलूंगी मैं। निकलो। शुक्र ख्वाब था। हेलो। हेलो बेटा खूबसूरत, गजब हो गया। क्या हुआ पापा? बेटा मैं लुट गया, मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैं बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ हमेशा के लिए। बेटा आ रहा हूँ, मैं सड़क पे आ गया हूँ, सड़क पे। नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।